Praise the name of the Lord. Hallelujah. Sion. हमारे रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। फादर वी ब्लेस योर नेम, Father, we exalt you. Holy Spirit, we implore you that you would come and brood upon us. Blessed Holy Spirit, we magnify the King of glory. Hallelujah. Let Yahusha HaMashiach be exalted, Holy Spirit. Let the meditation on your word, hallelujah, be inspired by your holy presence, O Lord. Yeshu Masih ke naam mein. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yeshu Masih, aapka dhanyavaad. Parmeshwar ke vachan mein se kuch manan karne ja rahe hain. Usse pehle main Srishti ko bolunga ki wo prarthana kare. हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम जो भी सब जुड़े हैं प्रभु इस ब्रॉडकास्ट में प्रभु, उनके घरों में प्रभु, उनके परिवारों में आपके लहू को मांगते हैं प्रभु। इस ब्रॉडकास्ट के ऊपर भी प्रभु हम आपके लहू को मांगते हैं प्रभु, इस इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर आपके लहू को मांगते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो वचन बांटा जाता है प्रभु, वो लोगों के हृदयों की तख्तियों पर लिखा जाने वाला होने पाए प्रभु, लोग प्रभु उसके द्वारा प्रभु परिवर्तित होने वाले होने पाए प्रभु, वो आपके चेहरे को, आपके पन्ने को जानने वाले होने पाए प्रभु, और इसके द्वारा प्रभु आपकी आत्माएं जीती जाने वाली होने पाए प्रभु, आपके मिरेकल्स प्रभु आपके वचन के द्वारा होने वाले होने पाए प्रभु, और ये वचन प्रभु दुनिया दुनिया तक फैलने वाले होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू इसे बढ़ा प्रभु, जो सुनते हैं प्रभु उनके कानों और आंखों को खोल प्रभु, ताकि वो सिर्फ इस पर सुनने नहीं वरन चलने वाले होने पाए प्रभु। प्रभु हम आपकी ब्लेसिंग को प्रभु, आपके हाथ को मांगते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो वचन बांटा जाएगा प्रभु, जो उपस्थिति होगी प्रभु, सिर्फ तेरी प्रशंसा और आराधना होने वाली होने पाए उसमें प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आपका, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सिर्फ तेरी इच्छा और तेरी मर्जी इस ब्रॉडकास्ट में होने वाली होने पाए प्रभु। तारीफ हो मेरे यहोवा। इसके द्वारा प्रभु आप लोगों के हृदयों को छूने वाले होने पाए प्रभु, उनके हृदयों को परिवर्तित करने वाले होने पाए प्रभु, और अपनी ब्लेसिंग प्रभु, अपनी ज्योति प्रभु उनके दिलों में चमकाने वाले होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना आपके प्रभु उद्धार करता है Lord, I pray that you would bless Srishti, that you would open every door for her, Jesus. Hallelujah. That you will take her
Yes, to Lord. The nation, Hallelujah. Where her destiny will be unleashed. And Lord, you will remove every impediment from her way through your spirit. Yeshu Masih ke naam mein. Amen. Amen. Jai Masih ki. Amen. Pastor Chandan ji, aap bhi prarthana karein. Dua karein. Hallelujah. Hallelujah. Ji, kis koi vishesh prayer points? Thank you. Bas is sabha ke liye prarthana karein. हालेलुया महान जिंदा आसमानी खुदावन प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी आराधना करते हैं मेरे यहोवा। ओ प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है क्या धन्य है वो जो जिनको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। हाँ मेरे यहोवा परमेश्वर, हालेलुया हम तेरे करीब, हम तेरे चरणों में है प्रभु यीशु मसीह, तूने हमें चुना है हालेलुया। और हालेलुया धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए प्रभु। ना जाने कितने ऐसे हैं जो आज के दिन नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु आपने हमें दिखाया और ये 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 खूबत ये प्रभु नियामत दी प्रभु कि हम आपके नाम को ले सकें खुदावन हालेलुया। खुदावन एक बार फिर से हम आपके दास को हालेलुया पास्टर जी को और प्रभु हम आपके बलवंत सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो जो कुछ भी वो तेरे नाम से खिदमत करते हैं और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं एक अनोखी हिम्मत तारीफ दे ताकत दे परमेश्वर पिता, ताकि वो तेरे नाम की हालेलुया आराधना कर सके, दूर दराज लोगों तक पहुंच सके, तेरे कलाम को ले सके, लेके जा सके जो प्रभु वाक्य में वो के प्यासे हैं तेरे वचन के। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक प्रकार से फाइनेंशियली और प्रभु सोशली इमोशनली हर प्रकार से प्रभु पास्टर जी को मजबूत करे मेरे यहोवा। स्वर्ग का खुदावन अपने अपने अनोखी अपने अद्भुत हालेलुया प्रोविजन को आप दीजिए परमेश्वर पिता। एक बार फिर से तेरी उपस्थिति में जब हम हाजिर हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि आपकी आत्मा आपका सामर्थ्य हमें लीड और गाइड करे। धन्यवाद आदर महिमा जलाल आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस योर सर्वेंट आमीन, ब्लेस हिज होम हिज डॉटर्स हिज वाइफ आमीन, ब्लेस द वर्क्स ऑफ हिज हैंड लॉर्ड। Cause Amen. Him to see the fruit of his labor. Oh yes, Lord Jesus. I pray, Lord, bless him spiritually and bless him supernaturally. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jai Masih ki. Amen. Hallelujah. Jai Masih ki. Jai Masih ki. Aap bhi prarthana kijiye, brother. Dua mangiye. आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी हजूरी में आता हूँ और आज के समय के लिए, आज के दोपहर के लिए उन्हें दिए खुदावंद आपकी योजना को हम चाहते हैं और आप आए हमारे से बात करें और आप करने वाले हैं पवित्र आत्मा गुवाही करने वाले हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ, खास करके आपके दास के माध्यम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा अभी हम जुड़ रहे हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आपके दास के वचनों को सुनने सुनते हैं और इनके साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी, उनको ब्लेस करें। और मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा खास करके आज के इस समय के लिए, आज की शाम के लिए, जो भी बातचीत हो प्रार्थना में, जो भी सहभागिता हो प्रभु जी सबको ब्लेस करें। पवित्र आत्मा आप प्रतिदिन हमें उत्साह करते हो, आप प्रतिदिन हमें सिखाते हो और यीशु मसीह मैं आपकी हजूरी में आता हूँ, अपने आप को आपके दासों को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी, इस सभा को आपके हाथ में देता हूँ, आपके अनुग्रह को मांगता हूँ। आए पवित्र आत्मा अपने दास के माध्यम के द्वारा हमसे बात करें, यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, लॉर्ड ब्लेस योर सर्वेंट, ब्लेस हिज होम, आई प्रे इन जीसस नेम आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर की वाणी में से आपको बहुत अद्भुत बातें मैं बताने जा रहा हूं। मैंने पहले संदेश को एक संदेश के बीच में शेयर किया है, लेकिन आज इस केवल इस संदेश को हम खोलेंगे। दानियल नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 13, 17 और 23 वचन। अपनी बाइबल खोलें, दानियल नबी की पुस्तक 4 अध्याय
13 वचन, 17 वचन और 23 वचन, डैनियल चैप्टर नंबर 4 वर्सेस 13, 17 एंड 23, वेरी पावरफुल स्क्रिप्चर्स, वेरी यूनिक स्क्रिप्चर्स। आपको मालूम डैनियल नबी की पुस्तक का 4 अध्याय बहुत ही सुपर नेचुरल है। 4 अध्याय में ऐसी गहरी आत्मिक बातें हैं जो और कहीं भी नहीं लिखी गई। आपको मैं ये बताना चाहता हूं, डैनियल नबी की पुस्तक इतनी अद्भुत पुस्तक है। इस पुस्तक का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय ये हिब्रू में लिखे गए हैं, लेकिन डैनियल नबी की पुस्तक के 2 अध्याय के बाद के जो अध्याय हैं वो सभी अरामिक, अरामी भाषा में लिखे गए हैं। तो डैनियल 4 अध्याय का 17 वचन आपके लिए पढ़ता हूं। आपने ये तीनों वचन पे मनन करना है, डैनियल 4, 13, 17 और 23। तो मैं 17 आपके लिए पढ़ता हूं, सुने। दिस मैटर इज बाय द डिक्री ऑफ द वॉचर एंड द डिमांड बाय द वर्ड ऑफ द होली वंस टू द इंटेंट दैट द लिविंग मे नो दैट द मोस्ट हाई रूलेथ इन द किंगडम ऑफ मेन एंड गिवेथ इट to whomsoever he will, and setteth up over it the basest of men. बहुत ही अद्भुत वचन यहां पे लिखा गया, मैं पढ़ता हूं, हिंदी में सुनिएगा। डैनियल नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसका 17 वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं इन हिंदी। अपनी अपनी बाइबल में आप प्लीज पढ़िए इन वचनों, सुनिए डैनियल 4 का 17। ये आज्ञा पहरुओं के निर्णय से, यहां पे इन्हें पहरुए कहा गया है, पंजाबी में लिखा गया राखे, और ये बात पवित्र लोगों के वचन से निकली। इन्हें पहरुए कहा गया और पवित्र लोग कुद्दशीम। यहां पे जैसे मैंने आपको बताया डैनियल 3rd, 4th, 5th आने वाले जो अध्याय हैं आगे के, पहला दूसरा अध्याय इब्री में लिखा गया, हिब्रू में, बाकी के अध्याय जो हैं वो अरामिक में, अरामी भाषा में लिखे गए। तो ये अरामिक भाषा का शब्द है पहरुए, वॉचर, और ये हिब्रू वर्ड है एर या ईआर। आइम युड रश, आइम का मतलब होता है आंख, युड का मतलब होता है हाथ, रश का मतलब होता है हेड, मुखिए। ये क्या है, आंख है, हाथ है और सर है। हिब्रू के 3 वर्ड है, आयम युडवेश, खुदा की आंख, खुदावंत का हाथ इनके ऊपर है, और खुदावंत का माइंड, सिर। ये है एर, आयम युडवेश, हालेलुया। और कुद्दशीम, ये होली है, पवित्र परमेश्वर के जन है। फरिश्तों में एक बड़ी खास किस्म की कैटेगरी जो कि पहरुए हैं, जिन्हें परमेश्वर पृथ्वी की कौमों के ऊपर, पृथ्वी के अलग अलग देश, पृथ्वी के अलग अलग राष्ट्र, पृथ्वी के अलग अलग एथनिक ग्रुप्स, पृथ्वी के अलग अलग कबीले, उनके ऊपर परमेश्वर ने गार्जियन, जो पहरुए हैं, पहरा देने वाले, फरिश्तों की एक बड़ी उच्च श्रेणी की, उच्च कोटि की एक क्लास जो परमेश्वर ने ठहराई कौमों के ऊपर, देशों के ऊपर, आंख रखने के लिए, और क्या है, आयन आंख, युड यहोवा के हाथ से उनका संचालन करना, और रश यहोवा के माइंड को रिलीज करना। ये वाचर जो है, ईयर जो है, यार ईयर, और पहरुए और राखे, ये दुनिया की कौमों के ऊपर नजर रखते हैं, गार्जियन एंजल है। जेनेसिस में इन्हें भेजा था यहोवा परमेश्वर ने, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में,
कि लोगों को यहोवा परमेश्वर की बातें सिखाएं, लेकिन उन्होंने उस पहले ग्रुप ने स्त्रियों के संग संबंध बनाए जिनमें से दैंत उत्पन्न हुए, नफलीम पैदा हुए, जायंट्स गिबरीम पैदा हुए और ह्यूमन डीएनए को उन्होंने पल्यूट किया। तो ये वॉचर्स हैं जो स्वर्ग में जुडिशरी हैं, यहोवा के बिहाफ पे, यहोवा की आज्ञा से यहोवा के लिए फैसला लेते हैं। ये जजेस हैं, ये जूरी हैं, ये गार्जियंस हैं, ये वॉचर्स हैं, ये खास किस्म के स्वर्गदूत हैं जो शायद मानव भी लगते हैं देखने में। तो ये पहरुए जो हैं, ये आज्ञा पहरुओं के निर्णय से, पहरुओं अर्थात अय्यार का निर्णय के लिए वर्ड है इंग्लिश में डिक्री। पहरुए जो ये खास किस्म के यहोवा के दूत हैं जो धरती की कौम कौम के ऊपर जुडिशरी बैठी है, न्यायपालिका बैठी है, जो यहोवा की आंख से देखते हैं, जिनके पास यहोवा का माइंड है। आयन युट रश, आयन मींस आंख, युट ऐसे होता है यहोवा का हाथ, रश ये हेड है, निर्णय लेने वाले हैं कौमों के लिए, लेकिन यहोवा की आज्ञा से निर्णय लेते हैं। तो ये डिक्री पास करते हैं। आपने सुना होगा लोग, बहुत से लोग, आई डिक्री दिस आई डिक्री दैट, जिसे यीशु मसीह ने कहा तुम बांध और खोल सकते हो, वो डिक्रीज है, वो बड़ी गहरी प्रार्थनाएं हैं। कई बार लोगों का प्रभु के संग कोई संबंध नहीं होता, प्रभु के संग कोई गहरा रिश्ता नहीं होता, उनके पास प्रभु की पहचान नहीं होती, प्रभु से गहरा संबंध नहीं होता, वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, वो प्रभु के संग पवित्र जीवन नहीं जीते, लेकिन डिक्रियां बांधते, मैं ये बांधता हूं, मैं वो बांधता हूं, मैं ये डिक्री करता हूं, ये कभी काम नहीं करता, ये फोकी बातें हैं। प्रभु कहता बक बक करना है, ये इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। ये पहरुए जो हैं यार, ये डिक्री लेते हैं। डिक्री के लिए हिब्रू वर्ड है गिजेरो, गिजेरो परमेश्वर के विहाफ पे। देखें सुने, ये आज्ञा पहरुओं के निर्णय से, यार के ईयर के निर्णय डिक्री से, और पवित्र लोगों के वचन से। वो पवित्र लोग हैं खुदशीम जो जीवित हैं, वे जान लें कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। पृथ्वी पे रहने वाले हर मनुष्य, हर कौम, हर देश, हर मुल्क, हर सिविलाइजेशन ये जान ले कि पृथ्वी की जितनी हुकूमतें हैं, जितने साम्राज्य हैं, जितने राष्ट्र हैं, उनकी जितनी गवर्नमेंट हैं, उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो सामाजिक ताना बाना है, जो एजुकेशनल सिस्टम है, उस सब के ऊपर यहोवा प्रभुता करता है। ऑल द एम्पायर्स, ऑल द किंगडम्स, ऑल द पॉलिटिकल पैराफर्नेलिया, ऑल द इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड, ऑल द सोशल स्ट्रक्चर, द एजुकेशनल सिस्टम, एवरीथिंग दैट अ सिविलाइजेशन इज कंपोज्ड ऑफ, गॉड रूलेट ओवर इट ऑल। स्वर्ग का परमेश्वर, यहां पे लिखा है, यहां पे लिखा है परम प्रधान एलियोन, वो राज्य करता है और जिसको चाहे उसको देता है। पृथ्वी के सभी राज्य, सभी किंगडम, सभी गवर्नमेंट, सभी सरकारें, वो डेमोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप हो, किंगडम्स हो, उस सब के ऊपर राज्य करने वालों को सत्ता यहोवा देता है, गद्दी पे यहोवा बिठाता है, वो जिसे चाहे उसे देता है, वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी नियुक्त कर देता है, जो बिल्कुल दीन है उन्हें उठा देता है। बेसिस्ट लिखा है इंग्लिश में, बेसिस्ट ऑफ पीपल, सबसे नीच लोगों को उठाता है और सत्ता दे देता है, गद्दी पे बिठा देता है। ये वचन ये बताता है, नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, ऑलवेज रिमेंबर गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड गॉड इज द इन चार्ज। आपके जीवन में कुछ भी घटे, कैसी आंधियां, कैसे तूफान क्यों ना आए, सत्ताएं, सरकारें, देश, मुल्क,
और आर्मीज और पुलिस और कोई भी सिस्टम आपके विरुद्ध में खड़ा क्यों ना हो जाए, यदि यहोवा आपके संग है आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ यहोवा के चरणों के नीचे है। हालेलुया। तो इस अध्याय में मैंने आपको बताया दानियल 4:13, 17 और 23 वचन आप पढ़ना, बहुत अद्भुत अध्याय है दानियल, जिसमें अय्यार ईर के विषय में लिखा हुआ है, जो कि एक अरामिक भाषा का शब्द है। दानियल 2 अध्याय में हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा एक दर्शन देखता है, जिसमें एक बड़े स्टैचू को, बड़ी प्रतिमा को देखता है, सर सोने का, ये नीचे चांदी का, पीतल का, टांगे लोहे की, और पांव जो हैं वो लोहे और क्ले में मिक्स है। तो दानियल उसको एक्सप्लेन करके बताता है राजा को कि उसका मतलब क्या है। और देखते हैं हम कि 3 अध्याय दानियल की पुस्तक, उसके 19 से 25 वचन को पढ़िएगा। दानियल 3 अध्याय 19 से 25 वचन, दानियल 3 अध्याय पूरा पढ़िएगा। वो राजा जिस मूर्ति का, प्रतिमा का अर्थ दानियल राजा को सिखाता है, वो राजा वैसी ही मूर्ति बना देता है, अपनी मूर्ति, और ये आदेश देता है कि उसके राज्य में जितने दुनिया के मुल्कों में से लोगों को गुलाम बना के वो लाया था, उसने कॉलोनाइज किया लोगों को, वो सब, वो किसी भी देवी देवताओं की उपासना क्यों ना करते हो, वो उन सबको छोड़ के उस मूर्ति के आगे झुके और मूर्ति को माथा टेके। को मालूम, अगर आप दानियल नबी की उससे पहला अध्याय पढ़ेंगे, दानियल के साथ कुछ यहूदी जवान हैं जो गुलामी में गए हैं असीरी में, तो राजा उनको अपनी संस्कृति में, अपने कल्चर में डालना चाहता है। वो खूबसूरत लंबे चौड़े जवान हैं, शिक्षित हैं, जिनके पास बहुत से गुण हैं, प्रतिभाशाली हैं, स्किल्स हैं जिनके पास, राजा उन्हें अपने महल में, अपने दरबार में उच्च पदवियां देना चाहता है, लेकिन राजा चाहता है वो उसके देवताओं की पूजा करे। राजा एक देवता की पूजा करता है, नाबू देवता, नबूकदनेस्सर, उसी नाबू देवता से उसका नाम पड़ा है। तो राजा का खाना उस देवता को पहले अर्पण किया जाता है, फिर राजा के टेबल पे आता है। तो दानियल, शद्रक, मेशक को बेद निगो, शद्रक, मेशक को बेद निगो, राजा उन्हें नए नाम देता है, अजराया, हनानेल, मिकेल, ये इनके नाम है। राजा उनको अपने देवी देवताओं के नाम देता है, और राजा चाहता है वो उसके मेज से खाना खाएं जो उसके देवताओं को अर्पण किया है, लेकिन वो खाने से इनकार कर देते हैं। भाई और बहनों, परमेश्वर अपनी प्रजा को पवित्र रखता है, परमेश्वर नहीं चाहता परमेश्वर के लोग दुनिया के रीति रिवाज, दुनिया की परंपराएं, दुनिया का राग गान नृत्य दुनिया की संस्कृति में ढल जाएं और प्रभु का नाम भी लें। प्रभु के लोग संसार से अलग किए गए हैं, जगत से न्यारे किए गए हैं। प्रभु के लोगों का कल्चर ये है, प्रभु का कल्चर। हालेलुया। हम इस दुनिया में फिट होने के लिए नहीं भेजे गए, हम इस दुनिया में हैं लेकिन इस दुनिया के नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के लिए जीते हैं। हालेलुया। तो क्योंकि उन्होंने वो खाना खाने से इनकार किया, इसलिए जब राजा की मूर्ति के आगे माथा टेकने की बारी आई, शायद वहां पे और भी यहूदी थे, वो माथा टेकते थे, लेकिन इन जवानों ने माथा टेकने से इनकार कर दिया। तो मालूम इनको ये शक्ति कहां से मिली, क्योंकि इन्होंने शुरू में अपने आप को राजा के कल्चर से, राजा की प्रतिमाओं के आगे चढ़े भोजन को खाने से अपने आप को अलग करके रखा हुआ था प्रभु यहोवा के लिए। तो आग की भट्टी का टेम्परेचर राजा ने आक्रोश में 7 गुना बढ़ाया। आपको मालूम कसदी लोग जो थे, बेबलोनियन, वो लोग 7 गुना भट्टी का तापमान क्यों बढ़ाते थे, जब सोने को मुकम्मल तौर पे शुद्ध किया जाता था तो वहां के सुनार 7 गुना तापमान को बढ़ा देते थे, ताकि सोने में से हर अशुद्ध धात निकल जाए। तो 7 गुना टेम्परेचर गुस्से में राजा नबूकदनेस्सर बढ़ाता है, क्योंकि जो भट्टी में जाने वाले हैं वो यहोवा का खालिस सोना है।
सात गुना टेम्परेचर बढ़ाया जाता था सोने के अंदर से अशुद्धता निकालने के लिए, लेकिन शद्रक मेशक उबेदनिगो में जरा भी अशुद्धता नहीं है। उन्होंने अपने आप को राजा की संस्कृति से, राजा के कल्चर में इकमिक होके अपवित्र नहीं किया। रोमी की पुत्री 12 अध्याय में प्रेरित पौलुस कहता है, हे भाइयों, तुमसे परमेश्वर की कृपा दया स्मरण दिला के कहता हूं, विनती करता हूं, अपने आप को संसार के सदृश्य मत बनाओ, दुनिया के सांचे में मत ढलो। ये दुनिया अपने सांचे में आपको ढालना चाहती है, अपने कल्चर में, अपनी संस्कृति में, अपनी विचारधारा के खांचे में आपको ढालना चाहती है। आपको नहीं ढलना है। हमारा सांचा ये है, हमारा सांचा है परमेश्वर का कलाम, हमारा सांचा है यीशु मसीह के लहू में ढका हुआ पैमाना, जिसके अनुसार आपका और मेरा जीवन बनना चाहिए। हालेलुया। अपनी इन देहों को पवित्र जीविता और मन भावता बलिदान करके प्रभु को चढ़ाओ, ये है आपकी आत्मिक सेवा। तो शद्रक मेशक उबेदनेगो अपने शरीरों को जीविता मन भावता और पवित्र बलिदान करके यहोवा को चढ़ाते थे। वो राजा का खाना नहीं खाते थे, इसलिए यहोवा उनके कण कण में विद्यमान था। तो जब आग की भट्टी में डाला गया तो वचन में लिखा है, जो जल्लाद उन्हें डालने आए वो जल के राख बन गए, क्योंकि इतना तापमान था। जो जंजीरों से उन्हें बांधा था वो पिघल गई। और तीनों इब्रानी जवान आग की भट्टी में स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं। ये आग जो संसार आपके विरुद्ध खड़ी करेगा, ये आग आपके छुटकारे की आग बनेगी। ये आग यहोवा की पवित्र आग में तब्दील हो जाएगी। ये आग आपके लिए आग नहीं होगी। वचन में लिखा है, उनके कपड़े सुलगे नहीं, उनके पास से कोई भी धुएं की या जलने की बदबू नहीं थी। आपको मालूम क्यों? क्योंकि चौथा व्यक्ति, राजा कहता है, ये चौथा व्यक्ति कौन है जो आग की भट्टी में घूम फिर रहा है? उसका चेहरा परमेश्वर के पुत्र जैसा है, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह। मरियम की कोख में देह धारने से पहले भी एक जलाली देह रखता है। उस जलाली देह में राजा धीराजा यीशु मसीह आग की भट्टी में अपने भक्तों के संग, अपने तीन बेटों के संग टहलने के लिए आ गया। तो चार लोग आग की भट्टी में घूम रहे हैं। हालेलुया। जो नबूकदनेस्सर है वो शैतान है। नबूकदनेस्सर ये संसार है। ये संसार जो भट्टी लेके आएगा ना आपके लिए और आपको आग में डालेगा, वो आग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर आपने अपने आप को पवित्र रखा है प्रभु यहोवा के लिए, अगर आपने कंप्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया, अगर आपने दोगला जीवन नहीं जिया, अगर आप गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास, ये नहीं आपका जीवन। आप प्रभु के वचन की चट्टान पे खड़े हो तो प्रभु आग की भट्टी में आपसे मिलने के लिए आएगा। सोने को पिघलाने के लिए आग की भट्टी का तापमान सात गुना किया जाता था। दानियल 3 अध्याय के 1-7 वचन में से कुछ पढ़ता हूं आपके लिए। दानियल 3 अध्याय उसका 1-7 वचन। नबूकदनेस्सर द किंग मेड एन इमेज ऑफ गोल्ड हुज हाइट वाज 3 क्यूबिट एंड ब्रेथ वाज 6 क्यूबिट एंड सेट इट अप इन द प्लेन ऑफ ड्यूरा इन द प्रोविंस ऑफ बेबलोन। और आप पढ़ेंगे इसका 2 से लेके 3 तक, जितने नवाब, जितने राजा के अहलकार, जितने मंत्री, जितने एडमिनिस्ट्रेटर, जितने उच्च अधिकारी, सबको आदेश दे दिया गया। गवर्नरों को, हाकमों को, न्यायियों को, जजेस को, सब मूर्ति के आगे झुके। 4 वचन में लिखा है कि एक व्यक्ति जैसे डोंडी पीटने वाले होते हैं, वो पूरे राष्ट्र में चिल्ला चिल्ला के ऐलान कर रहा है, टू यू इट इज कमेंडेड ओ पीपल नेशंस एंड लैंग्वेजेस दैट एट व्हाट टाइम यू हियर द साउंड ऑफ द कॉर्नेट फ्लूट हार्प सैकबट सॉल्ट्री डुल्समर एंड ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक ई फॉल डाउन एंड वर्शिप द गोल्डन इमेज That Nebuchadnezzar the king had set up। उस मूर्ति के आगे झुकना
और मूर्ति को सजदा करना। और 12 से 15 में ये कहानी है शद्रक मेशक अबेदनगो की। तो राजा जो है अहंकारी है, घमंड से भरा है, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसे अपना दर्शन देता है। हालेलुया। अब ये घड़ी चल रही है परमेश्वर की। राजा का नौकर था ये नबूकदनेस्सर। प्रभु कहता है नबूकदनेस्सर मेरा नौकर है। और राजा ने अपनी प्रजा को इस बीस्ट के हवाले किया था। परमेश्वर जंतु के हवाले करता अपने लोगों को सजा देने के लिए। तो शुरू में ये सही था, लेकिन धीरे धीरे अहंकार घमंड इसके हृदय में भरने लगा। 4:13 से पढ़ता हूं। तो ये क्या कहता है, आई सॉ इन द विजन ऑफ माई हेड अपॉन माई बेड एंड बिहोल्ड अ वॉचर। 4:13 वॉचर अय्यार, राजा नबूकदनेस्सर एक खास किस्म के स्वर्गीय सेलेशियल बीइंग को, स्वर्गीय बीइंग को देखता है जिसका नाम है इयर। आयन युड रेश, आयन का मतलब आंख, युड का मतलब हाथ, रेश का मतलब सिर, निर्णय लेना। यहोवा की आंख से, यहोवा के हाथ से, यहोवा के लिए निर्णय लेते हैं। इसको राजा ने देखा 4:13 में। और दर्शन क्या है कि एक बहुत बड़ा वृक्ष है जो नबूकद नजर है, लेकिन वो ट्री घमंड से भर गया है। तो क्या लिखा है यहां पे, लिखा है इसके 4:10 में, दस वर द विजन ऑफ माइन हेड इन माई बेड आई सॉ बिहोल्ड अ ट्री इन द मिड्स ऑफ द अर्थ एंड द हाइट देयर ऑफ वाज ग्रेट। एक ऐसा वृक्ष जो पृथ्वी पे लगा है लेकिन आकाश की ओर जा रहा है, जिसके पत्ते बहुत खूबसूरत हैं और आकाश के परिंदे उसके अंदर अपना ठिकाना बनाते हैं। और लिखा है कि 13 में कि एक ईयर आता है और कहता है कि इस वृक्ष को काट दिया जाए। 4:15 पढ़िएगा, इस ट्री को काट दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये वृक्ष घमंड से भर गया है, अहंकार से भर गया है। इस वृक्ष के अंदर एरोगेंस है। इसको यहोवा ने सिंहासन दिया। मैंने वचन आपको पढ़ के क्या बताया कि यहोवा परमेश्वर ही, हालेलुया, सिंहासन पे बिठाता है। 4:17 हालेलुया लिखा है, यहां पे लिखा है टू द इंटेंट दैट लिविंग में नो, जीवित लोग जान जाए, 4:17 का आखिरी वचन, दैट मोस्ट हाई रूलेट इन द किंगडम ऑफ मैन, सभी देशों पे सरकार किसी की क्यों ना हो, बाइडन की हो, ट्रंप की हो, शीपिंग की हो या मोदी की हो या ब्रिटेन में जो इंडियन ओरिजिन का पीएम है नया उसकी हो, लेकिन सरकार असल में यहोवा की है, यहोवा राज्य करता है। हम जबूर गाते हैं यहोवा राज करदा है, हुन लोग मनावन डर, ओ करुबीन ते बैठा है, कंबे जमी थर थर, सहून विच है बुजुर्ग खुदा, बुलंद सब कौमा ते, ओ पाक ना वड़े तेरे दी सिताइश करनगे, सिताइश करनगे, ओ पाक ना वड़े तेरे दी सिताइश करनगे, यहोवा राज करदा है, हुन लोग मनावन डर, ओ करुबीम ते बैठा है, कंबे जमी। यहोवा राज्य करता है, आप यहोवा की सत्ता के नीचे हैं। आके ओ दे पैर दी चौंकी ते, हुन मत्था टेको सब,
के ओयो पाक खुदावंद है इकला साडा रब। ये पृथ्वी उसके पांव की चौकी है, हम सब अपना शीश झुकाते हैं उसके चरणों में, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो प्रभु ने आदेश दिया कि उसको काट दिया जाए वृक्ष को, लेकिन उसकी स्टंप रहने दी जाए, ठूंठ थोड़ी सी रहने दी जाए। और अगर आप पढ़ेंगे उसकी ठूंठ को आयरन का बैंड चढ़ा दिया गया और उसकी ठूंठ को पीतल का बैंड चढ़ा दिया गया। ये पढ़े 4:15, दानियल 4:15। Nevertheless, leave the stump of his root in the earth, even with a band of iron and brass. तो उसका जो तना रहेगा ना थोड़ा सा होता है, उसको लोहे की ऐसे गोल सीलिंग कर दी और ब्रास की। ये आने वाली किंगडम है, ब्रास की किंगडम, जो कि ग्रीक किंगडम है, और आयरन की किंगडम, लोहे की किंगडम, जो कि रोमन एम्पायर है। हालेलुया। दो बैंड चढ़ा दिए गए। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूं 4:20, दानियल 4:20। द ट्री दैट थाउ सॉवेस्ट विच ग्रू एंड वाज स्ट्रॉन्ग हुज हाइट रीच्ड अनटू हेवन एंड द साइट देयर ऑफ टू ऑल द अर्थ। इतना ऊंचा वो वृक्ष हो गया, कौन नबूकदनेस्सर। गॉड ब्लेस्ड हिम, गॉड यूज्ड हिम एज अ सर्वेंट, गॉड यूज्ड हिम एज अ टूल। ही वाज द बीस्ट इन द हैंड ऑफ द लॉर्ड to take the children of Israel into the land of captivity, that God may teach them a lesson, that God may cleanse them. For 70 years they were supposed to live in the land of bondage, so that the land of Israel may have rest for those 70 subsequent years. 70 saal Israel ki bhumi aaram le, kyunki 490 saal rajaon ne raj kiya. उन्होंने शमीटा को नहीं माना। शमीटा है 7वां साल, विश्राम का साल। प्रभु ने कहा था पृथ्वी के लिए और इजरायली प्रजा के लिए। वो लालची और लोभी थे, वो 7वें साल भी भूमि पे हल जोतते थे, इसलिए शमीटा का श्राप आया उनके ऊपर। 490 साल राजाओं ने राज किया, 70 शमीटा उन्होंने नहीं मानी। तो यहोवा 70 सालों की गुलामी में इसराइल को ले गया और नबूकदनेस्सर के अधीन कर दिया यहोवा परमेश्वर ने। हालेलुया। तो अब ये राजा जब घमंड से भर गया तो प्रभु क्या कहता है इसके विषय में, हुज लीव्स वर फेयर एंड फ्रूट देयर ऑफ वाज मच एंड मीट फॉर ऑल, अंडर विच द बीस्ट ऑफ द फील्ड ड्वेल्ट एंड अपॉन हुज ब्रांचेस द फाउल ऑफ हेवन हैड हैबिटेशन। तो प्रभु क्या कहता है 22वें वचन में, इट इज दाउ ओ किंग that are grown and become strong, for thy greatness is grown and reacheth unto heaven, and thy dominion to the end of the earth. Hey Raja, teri prabhuta, tera bal, tera prakaram, aur teri satta aur tera zor asmano tak pahunch gaya hai. And whereas the king saw a watcher, phir watcher aa gaya hai. 23 vachan mein word hai watcher, Punjabi mein aap padh rahe rakha, हिंदी में आप पढ़ रहे हैं पैरुआ, लेकिन ये वर्ड है यार, यार, आयन योड रेश, आयन आंख, योड ये हाथ, रेश ये सिर, ऐसे रेश का मतलब ये सिर, आंख देखना, हाथ प्राकर्म, और रेश सिर माइंड या फैसला लेना। यार यहोवा के नौकर हैं, ये खास किस्म के दूत हैं, गार्जियन एंजल्स हैं, जो पृथ्वी की कौमों के ऊपर तैनात किए गए हैं। यहोवा ने इन्हें तैनात किया है, ये पृथ्वी के देशों के लिए, पृथ्वी के राजाओं के लिए, पृथ्वी के मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों, और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो डीसीज हैं, एसडीएम्स हैं, और जुडिशरी हैं, जो चीफ जस्टिसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं, जो गरीब लोगों का न्याय करते हैं,
उनके ऊपर आंख रखते हैं, ये उनको दंड भी देते हैं। जब विधवाओं का हक मारा जाता है, जब अनाथों को कुचला जाता है, जब गरीबों की आवाज को दबाया जाता है, जब लोगों पर जुल्म किया जाता है, जब निर्धन लोगों का खून बहाया जाता है, जब लोगों के हक मारे जाते हैं, जब राजा भ्रष्ट हो जाते हैं, जब न्यायपालिका के अंदर घूस ली जाती है, जब एडमिनिस्ट्रेटर जो डीसीज हैं, एसडीएम्स हैं, जजेस हैं, ज्यूरी हैं, ऑफिस के अंदर बैठे लोग गरीबों की नहीं सुनते, तो ये जो वॉचर हैं अय्यार, उन्हें दंड देते हैं, सजा देते हैं। तो प्रभु क्या कहता है, चार अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो इसके चार का 20 से लेके 37 वचन तक पढ़िएगा, मैं आपके लिए 28 वचन पढ़ता हूं। यहां पे राजा को दंड दिया जा रहा है, इस राजा को दंड दे रहे हैं वॉचर। कौन दे रहे हैं? मैंने आपको बताया दानिय्येल नबी की पुस्तक 4 अध्याय का 13, 17 और 23 वचन पढ़िए। ये परमेश्वर की जुडिशरी है, यहोवा परमेश्वर के ठहराए गए जजेस हैं, चीफ जस्टिसेस हैं, एग्जीक्यूशनर हैं, जिनके बेंच हैं स्वर्ग के अंदर, यहोवा के लिए ये फैसला लेते हैं, पृथ्वी के देश, पृथ्वी के राष्ट्र, पृथ्वी की कौमों के लिए, देश की सरकारों के लिए, देश की एडमिनिस्ट्रेशनों के लिए, देश की आर्मी, मिलिट्री, पुलिस के लिए, देश के डीसीज जो होते हैं, एसडीएम्स होते हैं, कलेक्टर्स होते हैं, जो टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं, देश के अंदर जो पुलिस होती है, जो आर्मी होती है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो पृथ्वी के अंदर चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, अधिकार की जगह में बैठे लोग, उनके ये उनसे लेखा लेने वाले हैं वॉचर। दानिय्येल 4:13, 17 और 23। और प्रभु क्या कहता है, प्रभु अपने दास दानिय्येल पे प्रकट करता है कि राजा नबूकदनेस्सर पे सजा आ रही है। एंड ऑल दिस केम अपॉन द किंग नबूकदनेस्सर एट द एंड ऑफ 12 मंथ। 12 महीने के लिए प्रभु क्या कहता है, ये अगर आप पढ़ेंगे 23 वचन से लेके इसका आप 27 वचन तक पढ़ेंगे, तो वचन में लिखा प्रभु कहता है इसकी स्टंप रहने दो, दरख्त काट दो लेकिन नीचे तना रहने दो, उसको 2 बैंड चढ़ाओ, एक लोहे का एक पीतल का, कि ये आने वाले राज्य में, इसके ऊपर कौन से राज्य इसको हरा देंगे, अलेक्जेंडर द ग्रेट ब्रास पीतल है, और रोमन गवर्नमेंट जिन्हें हम सीजर्स कहते हैं, कैसर्स कहते हैं, वो लोहे की सत्ता है, और उसके बीच में एक चांदी की सत्ता है, मीड्स एंड पर्शियंस की। तो प्रभु कहता है कि इसको 12 महीने, प्रभु वार्निंग देते हैं, प्रभु वार्निंग देता है कि 12 महीने इसके पास ये तौबा कर ले, और अगर तू नहीं करेगा तो मुकम्मल तौर पे तुझे काट दिया जाएगा, तू बहुत घमंडी है, अहंकारी है, यहोवा परमेश्वर ने तुझे उठा के राजा बनाया है, तू अपने महल की, राजा नबूकदनेस्सर अपने महल की बालकनी से बाहर देखता है, उसने हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबलोन बनाए हैं, चारों ओर बेबलोन के यूफ्रेटिस रिवर बह रहा है, रात को रोशनियां जगती हैं तो जो यूफ्रेटिस नदी है उसके अंदर रोशनियां चमकती हैं, और बाबुल जो है बहुत खूबसूरत शहर है, देश है, हालेलुया, बेबलोन बहुत विशाल, राजा नबूकदनेस्सर बहुत बड़ा राजा बन गया है, एक इतना बड़ा वृक्ष जो आकाश को छू रहा है, तो वो खुद क्रेडिट लेना चाहता है, मैंने ये किया, मेरी बुद्धि ने, मेरी भुजाओं के पराक्रम ने ये किया, मैंने सेना खड़ी की, मैं बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, मैंने पृथ्वी के राष्ट्रों को हरा दिया, मैंने अपने देश का विकास किया, मैंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, तो आकाशवाणी होती है कि तू, क्या आकाशवाणी होती है, वो कहता है मैंने मजेस्टिक बेबलोन बनाया विद माय ओन पावर। देन अ वॉचर केम डाउन फ्रॉम हेवन एंड टच्ड हिम इन द हेड
ये वॉचर आया और उसने छुआ जो वो ड्रीम देखता है और क्या कहा कि तू जानवर बन जाएगा. टच्ड हिम इन द हेड एंड ही हैड टोटल ब्रेकडाउन फॉर 7 इयर्स. वॉचर उसे छूता है और कहता है तू अब जानवर बन जाएगा 7 सीजन के लिए, अर्थात 7 सालों के लिए. आपको मालूम डेक्स एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, थे वो जिन्होंने डेक्स बाइबल 40 सालों के गहरे शोध और अध्ययन के बाद पति पत्नी दोनों ने लिखी है. अद्भुत बाइबल की कॉमेंटरी है. हालांकि उसकी कुछ शिक्षा से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन तो भी ये बहुत डीप रिसर्च है डेक्स की हुई. तो डेक्स क्या कहता है इसके लिए, डेक्स कहता है जब वॉचर उसे छूता है नबुकदनेस्सर को तो उसे एक बीमारी लगती है, लुकेंथ्रोपी, जो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनती है, लुकाओ एंथ्रोपी. लुकाओ का मतलब होता है, लुकाओ वर्ड का मतलब होता है रिच, जानवर. बेयर होता है ना रिच, भालू, रिच बन जाना रिच. और एंथ्रोपी का मतलब होता है इंसान, एंथ्रोपोलॉजी वर्ड यहां से निकलता है. तो मैन एंड वुल्फ, वुल्फ वो बन गया मैन एंड वुल्फ, जिसे हम वेयर वुल्फ कहते हैं. हमें इंग्लिश मूवी देखते हैं आप, आदमी वेयर वुल्फ बन जाता है, ऐसे रिच बन जाता है, वो ऐसा रिच बन गया. डैनियल 4:33 मैं पढ़ दूं आपके लिए. सेम आवर वॉज द थिंग फुलफिल्ड. जिस घड़ी वॉचर आके ये घोषणा करता उसे छूता है, द सेम आवर वॉज द थिंग फुलफिल्ड अपॉन नबूकदनेस्सर. ही वॉज ड्रिवन फ्रॉम मैन, आत्मा उसे भगा के ले गया जंगल में. और एंड ही डिड ईट ग्रास एज ऑक्सन, वो घास खाता था जानवर की तरह. हिज बॉडी वॉज वेट विद द ड्यू ऑफ हेवन, उसके शरीर पे ओस गिरती थी. टिल ऑल हिज हेयर वर ग्रोन लाइक ईगल फेदर्स, जानवर की तरह उसके ऊपर पंख आ गए. एंड हिज नेल लाइक बर्ड्स क्लॉ, और उसके ऐसे नेल ऐसे बन गए जैसे पंजे होते हैं वुल्फ के. वो वेयर वुल्फ बन गया, क्लॉज, फिंगर नेल सब कुछ बढ़ गए. तो स्नो के अंदर और ओस के अंदर वो रहा और इंसैनिटी ओवरटुक हिम, वो पागल हो गया. 7 सालों के लिए जानवर बन गया क्योंकि उसने यहोवा के आगे घमंड किया. तो प्रभु कहता है इसकी स्टंप को अभी रहने दो 7 साल, अगर ये रिपेंट करेगा तो मैं इसे फिर सत्ता बख्शूंगा. ट्री कट गया है लेकिन अभी भी अनुग्रह की वेला है. परमेश्वर आपको मालूम वार्निंग देता है, बिना वार्निंग दिए परमेश्वर कुछ नहीं करता. परमेश्वर मनुष्य को पश्चाताप के लिए बहुत सा समय देता है. परमेश्वर 2 दूत भेजता है सदोम और गोमोरा में इसलिए कि लोग तौबा करें, लेकिन वो लोग इतने पलीत और दुष्ट हैं वो उन दूतों के संग सहवास करना चाहते हैं. परमेश्वर नूह के समय लोगों को लगभग 120 साल का समय देता है पश्चाताप के लिए, जब तक नूह कश्ती बनाता है. हालेलुया. तो प्रभु 7 साल देता है. प्रभु कहता है उसकी जड़ें बीच में रहेंगी पेड़ की. और 4:34 से अगर आप पढ़ेंगे, डैनियल 4:34, एट द एंड ऑफ द डेज आई नबूकदनेस्सर लिफ्टेड अप माइन आईज अनटू हेवन एंड माइन अंडरस्टैंडिंग रिटर्न्ड, अपनी आंखें उठाई स्वर्ग के परमेश्वर की ओर और मेरी समझ लौट आई. रिटर्न अनटू मी आई ब्लेस द मोस्ट हाई. और वो जो वेयर वुल्फ बन गया था उसके क्लॉज निकल आए थे, वो जानवर बन गया था, वो राजा नबूकदनेस्सर 7 साल जब पूरे हुए उसने ऊपर को आंखें उठाई और वो दोबारा से मनुष्य बन गया और वो क्या करने लगा. हालेलुया. ये कसदी लोगों का राजा है, ये नाबू देवता की पूजा करता है. इसके देश में तरह तरह के देवी देवताएं हैं जिनकी उपासना करते हैं, लेकिन अब किसकी उपासना करने लगा है सुनिए इसका 34 वचन. एट द एंड ऑफ ऑल द डेज आई नबूकदनेस्सर लिफ्टेड अप माइन आईज अनटू हेवन, मैंने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाई एंड माई अंडरस्टैंडिंग रिटर्न्ड, मैं दोबारा मनुष्य बन गया. आई ब्लेस द मोस्ट हाई, मैंने एलियोन की उपासना की,
मैंने एलियोन की पूजा की। 7 साल कोई व्यक्ति जानवर बन जाए और जानवरों की तरह घास खाए और उसके शरीर पे जानवरों की तरह बाल आ जाए और वो रिच की तरह बन जाए, उसके पंजे बन जाए रिच की तरह, और उसके ऊपर ओस गिरे और उसके ऊपर स्नो गिरे, बर्फ गिरे, और वो जंगलों में भागे जानवरों की तरह नंगा, और जब वो दोबारा इंसान बने, वापस मानव बन जाए, तो वो क्यों ना सृष्टि के रचिता परमेश्वर की उपासना करेगा, क्यों ना उस राजा धे राजा यहोवा परमेश्वर की स्तुति गान करेगा। आई ब्लेस द मोस्ट हाई, मैंने महाप्रतापी परमेश्वर को ब्लेस किया। आई प्रेज्ड एंड ऑनर्ड हिम, मैंने उसकी स्तुति की और उसका सम्मान किया। दैट लिवेथ फॉर एवर, जो युगानुयुग जीवित है, सृष्टि का रचिता परमेश्वर यहोवा और उसका अनादि पुत्र प्रभु यीशु मसीह, हुज डोमिनियन इज एन एवरलास्टिंग डोमिनियन एंड हिज किंगडम इज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये राजा जब 7 साल जानवर बना और उसके बाद फिर इंसान बना, ये समझ गया कि पृथ्वी के ऊपर जो पृथ्वी के राज्य हैं, पृथ्वी के देश हैं, पृथ्वी के मुल्क हैं, पृथ्वी की कौमें हैं, जो पृथ्वी के अंदर राज्य हैं, किंगडम हैं, बादशाहियां हैं, सल्तनतें हैं, एम्पायर हैं, इन सब के ऊपर राज्य करने वाला यहोवा है। मनुष्य मोहरे हैं, वो जिसे चाहे बिठाता है, जिसे चाहे उठा के पटक देता है नीचे। उसका नाम यहोवा है, उसी की उपासना और उसी की आराधना हो। हालेलुया। ये जो वॉचर के ऊपर मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ, इसकी एक और इसका हम सेशन करेंगे, आज ही करेंगे, शाम को इसके दूसरे सेशन के अंदर हम जाएंगे। अभी बहुत कुछ मैंने रिसर्च करके रखा हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। अभी मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, बहादुर सिंह आकाश और उनके परिवार के हाथ में सौंपता हूँ। सृष्टि सेठ पे आपका लहू छिड़कता हूँ। रमन कुमार पास्टर पे आपका लहू छिड़कता हूँ। पास्टर चंद्र मोहन पे आपका लहू छिड़कता हूँ प्रभु। जसवीर सिंह सुरेंद्र पे आपका लहू छिड़कता हूँ। डॉली बंसल पे आपका खून छिड़कता हूँ। गुरविंदर सिंह पे आपका लहू छिड़कता हूँ। नितिन मैसी के लिए प्रार्थना करता हूँ। उसकी मदर मिसेज मैसी को आपके लहू में छिपाता हूँ प्रभु। जसपाल सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ। एएम शेरगिल को आपके लहू में छिपाता हूँ प्रभु जी। मैं पास्टर चंदन के लिए अमृतसर से आपके लहू में छिपाता हूँ उन्हें। देवेंद्र कुलर जो ब्रिटेन से है, उन्हें आपके लहू में छिपाता हूँ प्रभु। रेनू सैमुअल चंडीगढ़ से आपके लहू में छिपाता हूँ। आशा जी जो मेरे मदर इन लॉ, उनको आपके लहू में छिपाता हूँ। साइमन राय को आपके लहू में छिपाता हूँ। अभिषेक कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ। मंजीत बसरन को आपके लहू में छिपाता हूँ। सुनीता कौर जो आपकी बेटी ब्रिटेन से है, उन्हें आपके लहू में छिपाता हूँ। जसवीर सिंह सुरेंद्र को आपके लहू में छिपाता हूँ। विपिन शर्मा मुंबई से आपके लहू में छिपाता हूँ प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में आपकी बेटी तनुजा सेठ को आपके लहू में छिपाता हूँ। सीमा सिंह को आपके लहू में छिपाता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में इवेंजलिस्ट आर मैथ्यू के लिए, के खून में छिपाता हूँ। पास्टर सतपाल को आपके लहू में छिपाता हूँ। सतनाम राम को आपके लहू में छिपाता हूँ। पास्टर स्टीफन को आपके लहू में छिपाता हूँ। हैप्पी जाकू पे की बरकत खोलता हूँ खुदावन। मंगल फार्मे के लिए आपकी बरकत चाहता हूँ। तारा बंसल पे अपना हाथ बढ़ाएं खुदावंद प्रभु जी। सर्वजीत पे आपका लहू छिड़कता हूँ। बॉबी आर्ट पे आपका लहू छिड़कता हूँ खुदावन। मैं जसवीर सिंह पे आपका लहू छिड़कता हूँ खुदावन। अपने खून की कुदरत ओट में छिपाइए खुदावन। हालेलुया प्रभु। डॉली बंसल को अपने लहू में छिपाएं प्रभु जी। हरमन संजू रलन को अपने लहू में छिपाइएगा का खून छिड़कता हूँ। बरकत दीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पास्टर जी छोटी सी प्रार्थना करें फिर हम सभा समाप्त करेंगे। पास्टर चंदन चंद्र जी छोटी सी प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते हैं, तुम्हारी स्तुति करते हैं खुदावन। इस समय खुदावन ਸਾਡੀ ਅਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੰਡੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਸੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਾਣੀ ਆਲਮਪੁਰ
परिवार सहित खुदावन तुहाडी महिमा दा कर आशीष कर अनुग्रह कर बाकी सारे समय में तुहाडी अरावरत थम यीशु मसीह आमीन हालेलुया। प्रभु आपका अनुग्रह आपके लोगों पे बना रहे यीशु मसीह के नाम में आमीन हालेलुया। भाइयों और बहनों, जैसे आप जानते हैं कि हम ट्राइबल लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं। उड़ीसा में कई गांव हैं, बहुत गरीब लोग हैं जिनको अभी हम ब्लैंकेट कंबल भेज रहे हैं। पहाड़ों पे बहुत ही गरीबी की हालत में वो लोग रहते हैं, वो पानी का कोई स्रोत नहीं है उनके पास, वो नाले का गंदा पानी पीते हैं। हम लोग एक बोरवेल वहाँ लगाना चाहते हैं जिसके लिए लाख रुपए से ज़्यादा की ज़रूरत होगी। तो मैं चाहता हूँ आप में से जिस जिसके संग खुदावन बात करें, प्लीज़ मुझे मैसेंजर में मैसेज करें और उसके लिए अवश्य कोई बीज बोएं उन गरीब लोगों के लिए। खुदावन आपको बहुत बरकत देंगे। सबको जय मसीह की हालेलुया, सबको जय यीशु मसीह की। तो प्लीज़ इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा, उन ट्राइबल लोगों के लिए एक बोरवेल बनाना हमने, तो ज़रूर उसमें योगदान डालिएगा। गॉड विल ब्लेस यू। मुझे मैसेज कीजिएगा मेरी फेसबुक के मैसेंजर में। हालेलुया, सबको जय मसीह।